सेशन ओवर हो चुका है। जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच चल रहा है उसका डे टू का सेशन वन अब ओवर हो चुका है। और अगर मैं आपको स्कोर की बात बताऊँ तो यहाँ पे रोहित शर्मा 34 रन बना के आउट हो चुके हैं। काइल जमैसन ने बॉल डाली थी और टिम साउदी ने थर्ड स्लिप पर कैच किया था। दूसरी बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल को नील वैगनर ने बॉल डाली थी और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग ने कैच किया था। और अभी फिलहाल 69 रन का स्कोर है और दो विकेट गिर चुके हैं। और अभी फिलहाल देखो अगर कंडीशन की बात करें तो इंडिया भी मैं से बोलूँगा एक नॉर्मल कंडीशन में ही है, ना कि ज़्यादा बढ़िया ना कि ज़्यादा बेकार, बट बढ़िया कंडीशन में। और अभी क्या लगता है प्रेडिक्टेड स्कोर, क्योंकि मेरे को लगता है अगर आज का पूरा दिन खेल जाती है इंडिया की टीम तो मोर देन 210 या 230 समथिंग के अराउंड रन बन सकते हैं, हो सकते हैं तो 250 260 के अराउंड भी पहुँच सकते हैं, बट मेन अभी तक यही था। और देखो पिच में भी क्या है कि स्विंग बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में जैसे कि इंडिया के प्लेयर जैसे ही बाउंड्री मार रहे थे तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ऐसी बॉल डाल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा स्विंग हो रही थी। और अब बॉलर्स को तो बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रही है, न्यूजीलैंड ने बहुत ही बढ़िया फैसला करा है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेने का। और अब यही है बस कि इंडिया कितने रन बना सकती है। मैंने आपको फिलहाल अभी स्कोर बता दिया, रोहित शर्मा ने 34 रन बनाए हैं एंड शुभमन गिल ने बनाए हैं 24 रन, और विराट कोहली 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि चेतेश्वर पुजारा कर रहे हैं 0 रन पर बल्लेबाजी। चेतेश्वर पुजारा आई थिंक 4 ओवर के अराउंड खेल चुके हैं एंड टीम का स्कोर चल रहा है 69 रन के स्कोर पर 2 विकेट। तो यही बताना था वीडियो में, और अब आप कमेंट करके बताने कि क्या लगता है आज के दिन के एंड तक इंडिया कितने रन बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।